वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम मुस्कान भारद्वाज। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल, जिसे आप वेडिंग में करके जा सकते हो, पार्टी में करके जा सकते हो, एंड जब आपने ट्रेडिशनल पहना हो तब कर सकते हो, वेस्टर्न पहना हो तब कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो ये लुक ना बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट हो जाएगा। और आई लुक आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट हर्ब का। इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छे से स्किन केयर कर लिया है और उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे प्रोफाइल में, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, आपको एक वीडियो मिल जाएगी स्किन केयर से रिलेटेड, जो कि मैंने बहुत पहले पोस्ट कर दी है। तो वो वीडियो बनाने के बाद मैं ये वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने सारा स्किन केयर उसमें कर लिया था। एंड फिर मैंने यहाँ प्राइमर से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फाउंडेशन जस्ट हर्ब का लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी आपका फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना है, देन फिर फाउंडेशन आप जो भी आपकी पसंद का आप लगा सकते हो, और ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये मेकअप लुक बहुत 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 अच्छा हुआ था, मुझे याद है कि बहुत ही अच्छा मैंने मेकअप किया था उस दिन, मतलब सामने से भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप ऐसे मेकअप को कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इस टाइप का लुक अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। और ये ना वीडियो थोड़ा टाइम पहले की है और मैं आज वीडियो में वॉइस ओवर करके और आज शायद मैं वो ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी। बहुत टाइम हो गया है क्योंकि दिवाली आ गई थी, फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई एंड फिर मैंने सोचा आज तो मुझे ये वीडियो डालनी ही है। तो फिर मैंने फटाफट से अपना मोबाइल उठाया और एडिटिंग करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखो मैंने कंसीलर लगाया और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप में, आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे आपका जो मेकअप है वो उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा, पैची नहीं होगा। तो मेकअप की जो की होती हैं वो ही होती हैं, जितना मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मैं खुद से सीख रही हूँ या फिर मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में शेयर करती हूँ हमेशा, कि भाई स्किन केयर अच्छा करो, ब्लेंडिंग अच्छी करो, प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करो, अच्छे से मतलब आपकी स्किन को सूट होने चाहिए, आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होने चाहिए बस। और बाकी और चीज़ें छोटी छोटी हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ कॉन्टोर किया है, पाउडर कॉन्टोर किया है, देन उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया है और हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं भर भर के लगाती हूँ। अब मैंने मेरा आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले रेड कलर का आई शेडो लिया और उससे अपने इनर कॉर्नर पर और आउटर कॉर्नर पर लगाना स्टार्ट किया, अच्छे से ब्लेंड किया। बीच में मैंने कट क्रीज किया है और फिर मैंने गोल्डन कलर का आई शेडो लगाया है, जिससे हेलो आईज़ क्रिएट हुई है और काफ़ी प्यारी लगती है। मतलब मुझे आई मेकअप में सबसे प्यारा यही लगता है, क्योंकि ये ना मुझसे परफेक्टली बन जाता है। एंड मुझे लगता है काफ़ी सारे बिगनर्स को ना ये वाला आई लुक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ना सिंपल सा है और काफ़ी सुंदर भी लगता है, इसलिए मैं ये बहुत ट्राई करती हूँ, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। मस्कारा लगाया है और मैं फेक आई लैशेस नहीं लगाती, क्योंकि मेरा ये है कि मैं जब भी आई लैशेस मस्कारा लगाती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे देता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती फेक आई लैशेस की। बाकी अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो। अब मैंने लिप लाइनर लगाई है और उसके बाद फिर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं लिप लाइन करती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से लिप्स पर एक स्ट्रक्चर सा आ जाता है, मतलब कि आपको एक गाइडेंस हो जाती है, आपकी लिपस्टिक फैलने के चांस नहीं होते। उसके बाद सेटिंग स्प्रे से सब कुछ सेट कर लूँगी और ये है मेरा मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।